अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सज राना। वेलकम इन यूट्यूब चैनल पिजन्स लवर्स। बच्चों को छतरी पे लगाने का ट्यूटोरियल जो है वो जारी है। तो आज माशाल्लाह 5 से 6 दिन हो गए इनको छतरी पे बांधते हुए, और आज इनको कह लें दूसरा दिन है डोरी की ट्रेनिंग देते हुए। तो देखें माशाल्लाह बच्चों के भी जो वो पर भी कंप्लीट हो गए हैं, 10वीं कली भी। अभी इनकी छोटी है, अभी 1-2 दिन में इनको उड़ाना शुरू करेंगे, लेकिन अभी जब वो 3 दिन मैंने इनको डोरी लगानी है बच्चों को। तो डोरी लगाने का मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। आपको डोरी चाहिए 5 से 6 फुट आपको लंबी डोरी चाहिए, ये देख, ठीक है, कम से कम 6-7 फुट लंबी डोरी हो। तो ये मैंने अपने हाथ में एक सिरा डोरी का बांधा हुआ है, और ये दूसरा सिरा जो है वो बच्चे के पाँव में, ये देख, ठीक है जी। तो पीछे पाँच फुट लंबाई से आपने जाओ इनको छोड़ना है, ये देखें इसको छोड़ना हो गया छतरी में, ठीक है। तो हर बच्चे को आपने 3 दिन जो है वो सुबह शाम जो है ये प्रैक्टिस कम से कम 4-5 मरतबा बच्चे को छोड़ेंगे, ओढ़ के छतरी पे जाएगा। तो ये इस तरह जो है वो आपके 100% बच्चे जो है वो छतरी पे लग जाते हैं। तो ये अमल आपने 5 से 6 दफ़ा करना है। तो फासला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं, 1 फुट से शुरू करें, और यह वो 5, 6, 7, 8 कम से कम 10 फुट तक भी आप ले जा सकते हैं। ये भी मैं 10 फुट के फासले पे खड़ा हूँ, ठीक है। 1 फुट से मैंने स्टार्ट किया था, जब उड़कर बैठ जाए पहली दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा 2 फुट 3 फुट, तीसरे दिन तक आप। तो ये फ्रेंड्स मैंने जो है वो 4 बच्चों को ट्रेनिंग दे दी है। ये ब्रेवो का भाई का ज़रा आप शो कर लें, ये ब्रेवो का भाई है, ठीक है। ये देखिए अभी इसकी जो है वो लास्ट वाली कली जो है वो छोटा है, पर तो ये देख, ठीक है। अब इसकी ट्रेनिंग गुड हो गया। तो ये हर बच्चे को 5-5, 6-6 मरतबा छोड़ने के बाद जो है वो मैं इनके रस्सी जो है वो, एक तो छतरी जो है वो तकरीबन 20 फुट ऊपर कर दूंगा ऊपर, फिर दो बच्चों को जो है ना ऊपर खुला छोड़ देना है, ठीक है। और एक दूसरी छतरी में बिल्कुल जाल के कह लें कि जाल से कुछ 8-10 फुट ऊपर होगी, और दोनों छतरियाँ करीब होंगी। जब बच्चे जो है वो आमतौर पर शाम को कोशिश करते हैं नीचे आने की, तो पर एक छतरी से उड़ेंगे तो दूसरी छतरी पे वो आएंगे, ठीक है। तो इस तरह जब दूसरी छतरी पे बैठने की कोशिश करते हैं तो उनसे नहीं बैठा जाता, फिर वापस अपनी छतरी पे, ऊपर वाली छतरी पे चले जाते हैं। तो ये क्राइटेरिया है मेरा इनको छतरी पे लगाने का। तो आहिस्ता करके आहिस्ता आहिस्ता एक एक दो दो करके इनको छतरी पे बिठाएं, और या वो कोशिश करें कि जब भी इनको उड़ाएँ तो किसी अच्छे बड़े कबूतर के साथ उड़ाएँ, 2 बच्चों को एक साथ आप ना उड़ाएँ, क्योंकि ये छोटे बच्चे होते हैं, 2 बच्चे जब मिलते हैं आपस में तो समान में जब चले जाते हैं अक्सर बच्चे समान में बंद हो जाते हैं और ऊपर से जाए वो गायब हो जाते हैं। तो ये आपने कोशिश करनी है, जब भी बच्चों को उड़ाएं तो एक एक करके उड़ाएं और किसी बड़े कबूतर के साथ छोड़ें। हाँ, जब ये एक कली के हो जाएं तो उसके बाद फिर आप इनको ग्रुप में छोड़ सकते हैं, और ग्रुप में भी छोड़ें तो साथ में जो वो बड़ा कबूतर आपने लाजमी छोड़ना है, इनके 1-2 कबूतर बड़े छोड़ें, ठीक है, जो घर के से आने हो, बच्चों को जो वो बाहर ना जाने दें, इस तरह बच्चे जब ज़ाया नहीं होते। तो इंशाल्लाह अब इनको उड़ाएंगे, वो भी वीडियो बनाएंगे, और फिर जो वो इनके पर भी काटेंगे साथ वाले, इनको गोल करके भी उड़ाएंगे ताकि इनके कुंदों का ज़ोर अच्छी तरह से लगे। तो जितना इनके कुंदों का ज़ोर लगेगा उतना ही ये जो वो नेक्स्ट सीज़न में अपनी कारकर्दगी जो अच्छी करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।